बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपके साथ एक सरफ का फार्मूला शेयर करने लगा हूँ कि जिसमें आप लफ्सा नहीं डालेंगे, लफ्सा के बग़ैर, लफ्सा की जगह हम एक और जो है तो केमिकल इस्तेमाल करेंगे जो सस्ता भी है और काम भी इंशाल्लाह करेगा, काट भी करेगा। तो वो फिर अगली वीडियो में मैं आपको केमिकल बनाना भी सिखा दूँगा, वो केमिकल कैसे बनता है। तो अभी मैं आपको एक 5 किलो का जो है तो सरफ बनाने का फार्मूला बताता हूँ जी। ये हमने 4 किलो सोडा ले लिए, सोडा ऐश 4 किलो, ठीक है जी। इसमें हम 1 किलो सोप स्टोन डालेंगे। ये हमारे पास सोप स्टोन पड़ा है, ये 1 किलो इसमें सोप स्टोन डालेंगे, ठीक है जी। ये इसमें हमने 1 किलो सोप स्टोन डाल दिए, 4 किलो सोडा ऐश, 1 किलो सोप स्टोन। हाँ, इसके बाद जी हम डालेंगे इसमें यूटी बेस, सफ़ेद दाना नहीं होता, ये खुश करने के लिए और पुलाव के लिए। तो ये डालेंगे 150 ग्राम, ये जी यूटी बेस 150 ग्राम, 55 होंगे 150 ग्राम यूटी बेस डाल दिए। तो मैं बार बार स्किप कर रहा हूँ कि ये मुख्तसर हो। अब जो ये 3 चीज़ें हमने डाली हैं, एक जो है तो अपना सोडा ऐश, उसके बाद जो है तो इसमें 1 किलो सोप स्टोन और 150 ग्राम हमने इसमें यूटी बेस डाल दी। अब हम इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये जो नया आइटम है LS 96, ये देखिए, ये लफ्सा की जगह पर इस्तेमाल होगा, काट भी करेगा और मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको ये बनाना भी सिखा देता हूँ ये कैसे बनता है। अगर हमसे तैयार लेते हैं तो 150 रुपये किलो इसका रेट है और काम ये बेहतरीन करेगा इंशाल्लाह। ये मैंने टेस्ट किया हुआ है जी, ये सर्फ में मैंने बना कर टेस्ट किया जी। तो ये हम लेंगे 250, ये अभी थोड़ा गाढ़ा है, जब इसको आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा इतना नहीं। तो ये 250 ग्राम हम LS 96, ये सस्ते और काम भी करेगा इंशाल्लाह। और इसमें कोई डकी छुपी बात नहीं, मैं आपको बनाना बता दूंगा, जो ख़ुद बना सकते हैं ख़ुद बना ले। अच्छा, ये 250 ml आपने ले लिया है LS, ये अभी गाढ़ा है, जब ये आप इसको छोड़ेंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इसमें अभी हमने 5 किलो है, तो 5 किलो के पीछे हम तकरीबन 20-25 ml जो है कास्टिक लई डालेंगे, 1/4, ये 1/4 कास्टिक की लई, ये तकरीबन 20 से 25 ग्राम पड़ गए, कास्टिक की लई हो गया। अभी हम इसको सर्फ में मिक्स करेंगे। सरफ में डालने से पहले हम जो है तो इसको भी आपस में एक जान कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो ये देखिए कैसी झाग सी बन गई, ठीक हो गई जी। अब हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे, ये LS 96, ये इंशाल्लाह लफ्सा से अच्छा काम करेगा। मेरी ये होती है जी, ख्वाहिश होती है कि ऐसा फार्मूला हो जो कम से कम रेट में बने, क्योंकि अभी जो SLS है वो बहुत महंगी हो गई है। लफ्सा 365 रुपये किलो हो गया, SLS जो है तो वो 460 रुपये पाकिस्तानी, चाइना की 5 रुपये किलो। तो ये सर्फ बनाना जो है तो बिल्कुल बहुत मुश्किल होगी, नामुमकिन होगी। तो ये आइटम इंशाल्लाह ऐसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, हमारे पास मलेशिया की है 340 रुपये किलो और ये LS 96 150 रुपये किलो। तो ये आपके सरफ को खासा सस्ता कर देगा, मुतवाजन कर देगा, थोड़ा कंट्रोल में ले आएगा। तब इसको हम मिक्स करते हैं। अच्छा जी, इसमें वो मिक्स हो गया है, अभी हम इसमें, मैं ज़रा क्वालिटी अच्छी बना रहा हूँ, आप आधा किलो भी डालें, आधा लीटर भी डालें BWL,
तो आपका काम करेगा। मैं एक लीटर डालूँ, मैं ज़रा क्वालिटी अच्छी बना रहा हूँ जी। तो ये एक लीटर PWL ये मैंने डाल दी, अभी इसको मिक्स कर। ये जी मिक्स होकर ये चीज़ बन गई, इसको मिक्स कर दी। अभी हम इसमें एक लीटर, आप आधा लीटर भी डालें तो इंशाल्लाह ये PWL काम करेगा। ये जी मैंने एक लीटर इसमें PWL मिक्स करना है। ये देखिए मिक्स कर कर आपको बताता हूँ। ये जी थोड़ा देख लें आप कि ये मिक्स में, ये देखिए ये मैं स्किप कर रहा हूँ कि आपकी वीडियो है तो मुख्तसर हो। ये मैं अभी मिक्स कर कर फिर आपको, ये जी PWL भी इसमें मिक्स हो गया है। और अगर हम हाथ को इससे ऊंचा भी रखें तो ये गर्माइश अभी दे रहा है। PWL में ये कमाल जब मिक्स करेंगे तो ये नीचे से गर्माइश देते हैं। ये देखें तो ये अभी बन गया। अभी इसमें हम डालते हैं दाना, मिक्स करते हैं। 100 ग्राम दाना डालेंगे रंगीन दाना। अच्छा जी ये अभी दाना है 100 ग्राम। आप कोशिश करें कि सब्ज़ दाना ना डालें, नीला और लाल वो दिखता है और जो सब्ज़ है वो गायब हो जाता है। तो नीला ज़्यादा डालें, शौक कलर है, और लाल तो ये पहले मैं 150 ग्राम डालता था, अभी ये नीला और जब लाल शुरू किए तो मैं 100 ग्राम डालता, ये नज़र आता है। तो छोटी छोटी बातें जो आपका सरफ जो है तो आखिर में इसका कैलकुलेशन जो है तो आपके बारे में आ जाए, छोटी छोटी बातें क्या। अभी मैं मिक्स करके बताता हूँ आपको बाकी का फॉर्म। अच्छा जी ये अभी दाना भी मिक्स हो गया इसमें, अभी आपका ये सरफ तैयार है, नज़र आ रहा है दाना सुरख लगा। देखिए ये शार्प कलर है, तेज कलर से ये नज़र आते हैं। ठीक है, अभी इसमें जो रोड़ी है इसको हम ख़त्म करेंगे छान के साथ। इसको छानेंगे, ख्याल करें आप जब भी काम शुरू करें तो ज़्यादा सरमाया ना लगाएं और मशीनें वगैरह ना खरीदें पहले। सरफ के लिए मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, फार्मूला होना चाहिए आपके पास। और जब ये चल जाए तो फिर आप मशीनें भी लें, क्योंकि आप तावान कर लेंगे, मशीनें लेंगे 3-4 लाख 5 लाख रुपये आप लगा लेंगे और चले ना। अक्सर लोग भाग भी जाते हैं इसमें। तो ये देखें सफ़ेद कितना ज़बरदस्त सफ़ेद और दानेदार। अब इसको छान कर फिर मैं आपको इसको टेस्ट भी कराता हूँ। ये आपका सरफ तैयार है। ये जी इस तरीके से मैंने ये छान बनाया हुआ है अपना, और ये इसके साथ ये पतली सी ले लिए और इसको छानते हैं अभी। तो ये अब मैं छान कर बताता हूँ, इसका दाना और भी वाजे हो जाएगा और ये जो रोड़ी है ये तमाम छोटी छोटी रोड़ी ख़त्म हो जाएगी। कोशिश करें कि इसको गर्म गर्म छान लें, क्योंकि ये फिर रोड़ी सख्त हो जाती है। ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है, अभी ये जब छन जाएगा तो ये इसमें वाजे नज़र आएगा। हाँ जी ये देखिए अभी छन गया है, और मैंने जैसे आपको कहा था कि जैसे छनेगा तो इसका दाना और भी वाजे हो जाएगा, क्योंकि दाना इसमें गुठली बन जाता है। तो ये देखिए छान कर अभी मैं आपको इसका देखिए दाना कितना वाजे हो गया, देखिए। तो अभी मैं इसको आपको छान कर भी बता दूँ, ये टेस्ट करके बता दो पानी। हाँ ये जी अभी तैयार सरफ लें, थोड़ा सा 10 ग्राम होगा। अभी देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। देख रहे हैं जी आप, ये इसकी जाल जो है तो बनी, तो इंशाल्लाह ये काट भी करेगा। अच्छा सरफ में हमेशा याद रखे दो चीज़ें आपको चाहिए, एक फोम। फोम भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोग जो है तो फोम को देखकर सरफ की क्वालिटी का नज़र लगाते हैं, जो गलत है। बारह एक फोम चाहिए और एक कार्ड चाहिए। तो ये है LS 96, ये फोम भी करेगा और कार्ड भी करेगा इंशाल्लाह। ये देखिए
ये देखिए जी, ये इसकी फॉर्म बन रही है। देखें, और नहीं बना था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये देख लें, ये आपको सरफ तैयार है।